मैं किसी भी जल्दी बनने वाली ऐसी रेसिपी लाई हूँ आज आपके लिए, जो बच्चे भी खुशी खुशी खाएंगे और आप सब भी। तो वीडियो को फुल देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। इसमें दो रेसिपी बनेंगी आज, सुबह नाश्ते की भी और शाम को इवनिंग स्नैक्स की भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह के फजल से आप सब अच्छे रहो। तो इसके लिए लेता हमने एक आलू, आधा खीरा लेंगे, एक कैरेट लेंगे, एक दो हरी मिर्ची लेंगे। अगर बच्चे मिर्ची नहीं खाते तो इसको स्किप कर दें फ्रेंड्स। उस पर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे, एक कटोरी आटा डालेंगे, आधा कटोरी डालेंगे इसमें बेसन, मिर्ची डालेंगे आधा चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, काली मिर्ची डालेंगे आधा चम्मच से कम, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, इसका पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे गाढ़ा। इसको थोड़ा सा मैं आधा निकाल लूँगी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, निकाल के मैं आगे बताऊँगी वो मैं क्यों निकाल रही हूँ। ये पूरी वीडियो देखेगा जब भी आपको समझ में आएगा। बहुत मज़ेदार सी दो रेसिपी है फ्रेंड्स, जिससे आपका काम और टाइम दोनों बचेगा। तो ये देखिए अच्छे से गाढ़ा बैटर बना लेंगे। इधर देखिए इतना गाढ़ा बैटर होना चाहिए आपका, इसको कोई रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इधर मैंने पैन में तेल लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था और टिश्यू पेपर से पोंछ लिया था। अपने बैटर को रख देंगे, डाल देंगे मतलब, और इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको ढक देंगे। जैसे मैंने ढक दिया, देखिए इसे पलट देंगे थोड़ा सा, ऊपर ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद इसे हम पलट देंगे। ये देखें ये अच्छा मज़ेदार सा कलर आया है, इसको फिर से ढक देंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा नाश्ता एक रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये इतना सॉफ्ट और मुलायम बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो आप घर में खुद बनाएंगे ना तभी आपको यकीन आएगा। देखिए हाथ में भी कितना सॉफ्ट है ये, बहुत आप इसे लंच बॉक्स में अपने बच्चों को भी दे भी सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता, मज़े का लगता है। इसे मैंने चटनी के साथ सर्व किया था, ये बहुत मज़े का और सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाला नाश्ता बना था। तो दूसरी रेसिपी तैयार करते हैं। इसके लिए जो मैंने आधा बैटर बचाया था ना, उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मैंने ले लिया, इससे मैं हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा जो मैंने बैटर बचाया था इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़, ऊपर से भी थोड़ा बैटर डालेंगे और ये पलट देंगे। ये हमारा हो गया इवनिंग स्नैक्स रेसिपी। ये बच्चे बहुत मज़े से खाते, चीज़ बच्चों को बहुत पसंद होती है फ्रेंड। मेरी बेटी को बहुत पसंद आई थी दोनों रेसिपी, मैंने आपके साथ शेयर की है। कैसी लगी आपको मेरी ये दोनों रेसिपी? अगर ज़रा सी भी आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। देखिए चीज़ हमारी कैसी मेल्ट हो गई है और इतने मज़े का बना था। इसे मैंने पुदीने की हरदनी की चटनी के साथ सर्व किया था, ये बहुत मज़े का बना था फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपी कैसी लगी। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।